प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आज इस कार्यक्रम में एक और विषय लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं और आपके विचार, सुझाव, प्रश्न सब बहुत विनम्रता से आमंत्रित हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 7000-969-440। इस पर आप विचार, सुझाव, प्रतिक्रिया ये सब हमें भेज सकते हैं। आज हम एक दर्शक का भेजा गया विचार, प्रश्न, सुझाव जिस भी रूप में से आप लें वो हम अपने विद्वान वक्ता के समक्ष उनके सामने रखेंगे। और ये सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, इंदौर से ये इन्होंने अपना विचार, सुझाव, सवाल जो भी जिस रूप में हम देखें इसे, प्रोफेसर विनय फड़के इनका नाम है। और इनका कहना है कि सत्संग की महिमा बड़ी बताई गई है और जो वास्तविक है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। अच्छी संगत, चाहे अच्छे गुरु की संगत हो, अच्छे मित्रों की हो, अच्छे परिवार का संसर्ग हो, अच्छी सोसाइटी या समाज का संसर्ग हो, और संतों के सत्संग की तो बात ही अलग है। लेकिन इनका यह भी कहना है कि मैं भी एक छोटा सा विनम्र विद्यार्थी हूं जो चल रहा हूं, अभी तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, लेकिन मैं देखता हूं कि सत्संग की प्रत्याशा में आने वाला जो हुजूम है वो एक ऐसी भीड़ है जो बड़ी रोबोट नियंत्रित भीड़ दिखती है। सत्संग में वो आते जरूर हैं, लेकिन एक मशीनी तरीके से वो पूरे समय, चाहे वो हजारों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, वो बैठे रहते हैं। और कई बार इनका ये भी कहना है, ये इनकी दृष्टि में आपको बता रहा हूं, इनका कहना है कि बड़ी मैकेनिकल रिएक्शंस भी आती हैं उनकी। अगर कोई एक श्रद्धालु भावुक होकर रोने लगा तो बहुत सारे लोग रोने का प्रयास करने लगते हैं, दो चार पांच लोग उठकर नाचने लगे तो बाकी लोग भी ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो भी बहुत आनंद में डूब कर उनके पैर थिरक उठे हैं। ये कहते हैं कि मैं भी उस भीड़ में हूं और मैं भी ये दावा नहीं करता हूं कि मैं सत्संग में डूबा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उस पूरे जो भी जिसकी भी जिसका भी सत्संग हो रहा है, जिस संत को या जिस कथावाचक को सुना जा रहा है, उनके पूरे प्रवचन के दौरान किसी भी बिंदु पर बिजली की तरह एक चमक नहीं कौंधती है अधिकांश तथाकथित श्रद्धालुओं के चेहरे पर। तो इनका प्रश्न है हमारे विद्वान वक्ता से, क्या अधिकांश लोग अपनी उसी मोह माया को लेकर सत्संग में आते हैं? जैसा सुनते हैं कि लाखों लाख लोग ये मानकर चलते हैं कि किसी विशेष दिन पवित्र नदी में, गंगा में, यमुना में, नर्मदा में डुबकी लगाने से पाप समाप्त हो जाते हैं। सिंहस्थ और कुंभ में इसीलिए भीड़ उमड़ती है क्योंकि उन्हें सबसे सरल माध्यम प्रतीत होता है। फड़के साहब का कहना है कि आप एक दिन, हमसे बहुत एफर्ट तो होगा नहीं साहब, हम तो, हमने सुना है कि ऐसे में जाइए, दर्शन करिए तो आपको बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। तो ये थोड़ा आश्चर्य भी करते हैं और पीड़ा में भी है कि सनातन परंपरा एक बड़ी गहरी परंपरा है, क्या जो बता रहे हैं लोग, जो संत उन्हें बता रहे हैं वो ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं, या अनुयायी बनाने की एक होड़ सी भी लगी है और इसमें सत्य कहीं छिटक गया है, तो सत्संग आखिर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? इस पर हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन आज ये थोड़े नए स्वरूप का प्रश्न मुझे लगा इस पर चर्चा एक बार जरूर विद्वान वक्ता हमारे जो हैं भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष हम प्रोफेसर विनय फड़के के इस विचार, सुझाव और प्रश्न को ले चलते हैं। प्रणाम कर रहा हूं डॉक्टर जी। मूलतः आज प्रोफेसर साहब ने प्रश्न तो रखा है, चिंतन भी रखा है, लेकिन मूल रूप से उन्होंने चिंता रखी है। चिंता की, दार्शनिक हैं, शुद्धशील हैं, विद्वान हैं, तो उनके अंतर मन में बदलते परिवेश, भावनाएं और दौड़ते लोगों को देख करके उन्होंने एक यहां एक बड़ा अच्छा रूपक भी प्रस्तुत किया है इस प्रश्न में छिपा हुआ है।
प्रवचन सत्संग नहीं है, प्रवचन सत्संग नहीं है। सत्संग में प्रवचन हो सकता है, हो सकता है, उसमें आवश्यकता नहीं है प्रवचन की। सत्संग तो शिवा शिव के साथ करती है, जब शिवा शिव के साथ करते हैं, या सत्संग जब गरुड़ जी काकभूषण जी के साथ करते हैं, तब वहां भीड़ नहीं होती, तब वहां भीड़ नहीं होती। सत्संग सदैव जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद प्रारंभ होती है। वाह, बड़ा बड़ा। यदि आपके अंतरचित्त में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई है, तो फिर सत्संग की पात्रता अभी आपकी पूरी नहीं हुई है। जिस पर ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उसके दो तत्व हैं, जिस पर हमने कभी बात की थी। मुझे लगता है आपके YouTube के कोर्स में वो होगा, कभी कोई देखना चाहे। अनुकरण और अनुसरण, जब आप अनुसरण करके किसी विद्वान पुरुष को सुनने जाते हैं, तब आप जिज्ञासु नहीं होते। अनुसरण का अर्थ होता है तुम चले तो हम चले, अनुयायी है, तुम हंसे तो हम हंसे, तुमने ताली बजाई तो हमने ताली बजाई। हम तो केवल अनुसरण कर रहे हैं, अंधानुकरण में बैठ गए हैं। किसी ने कहा वो महाराज जी आए हैं, वो एक पेड़ का पत्ता देते हैं, पुष्प देते हैं, उनको सुन लो तो जीवन के हर ताप साप समाप्त हो जाते हैं। ये जो अनुसरण है, ये फलश्रुति पर आधारित होता है, फलाशक्ति उत्पन्न करता है। लेकिन अनुकरण जो होता है, वो फल से विरक्त होता है। अनुकरण सृजनशील होता है, अनुकरण उस माली की तरह कार्य करता है जो पेड़ लगाता है ताकि फल कोई दूसरा खा सके, फल कोई दूसरा खा सके। और अनुसरण वाले लोग उस फलदार वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं कि हमें फल खाना है। तो ये अंतर होता है। तो सत्संग को अनुकरणीय बनाना चाहिए, अनुसरणीय नहीं। अर्थात आपके जीवन में सृजनशीलता आई, क्या आपके जीवन में जिज्ञासा जागृत हुई? और सत्संग मूल रूप से ब्रह्म को जानने के लिए होता है। जो मूल सत्संग शब्द आया है, जिसके लिए उन्होंने सनातन संस्कृत भी उपस्थित की है, तो सनातन सत्संग का अर्थ होता है ब्रह्म को जानना। आचार्य शंकर से बैठे हुए हैं लोग पूछने के लिए, वहां सत्संग हो रहा है, शिष्य पूछ रहा है ब्रह्म कौन है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए कौन से कार्य होने चाहिए। डॉक्टर साहब, एक विनम्र प्रश्न मन में कौंधा है कि जिज्ञासा के भी अनेक स्वरूप होते हैं। जिज्ञासा अभिमान जन्य भी होती है, जिज्ञासा विद्वता के अहंकार से ग्रस्त भी होती है, जिज्ञासा विकृत भी होती है, और जिज्ञासा कई बार सिर्फ एक जिज्ञासा का उत्कंठा दिखाने के लिए जिज्ञासा। तो इसमें जो निर्मल और निर्दोष जिज्ञासु है, वही ब्रह्म तत्व को समझ पाएगा। देखिए, आपने अभी जितने भी अलंकरण प्रस्तुत किए हैं जिज्ञासा शब्द के साथ, वो सब जिज्ञासाओं के पाखंड खंड खंडन है। उनमें कोई भी शब्द जिज्ञासा के लिए युक्त पूर्ण नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा अबोध होती है। जो अबोध होती है वो जिज्ञासा है। लेकिन अगर जिज्ञासा अबोध नहीं है तो फिर क्या है? वो पाखंड हो सकती है, वो आडंबर हो सकती है, वो दिखावा हो सकता है। हम अधिकतर शास्त्रार्थ हो सकते हैं। शास्त्रार्थ जिज्ञासा नहीं है, वो नहीं है जिज्ञासा। शास्त्रार्थ तो एक ऐसे परिपक्व अवस्था को कहते हैं जहाँ बहस नहीं होती। शास्त्रार्थ का अर्थ विवाद नहीं है, तर्क। शास्त्रार्थ का अर्थ बहस नहीं है। लोग शास्त्रार्थ अब कर नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रार्थ अधीर व्यक्ति नहीं कर सकता, पूर्वग्रही शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। आप तो पूर्वग्रही होते हैं, आप तो रोज कर रहे हैं अपने यहाँ, जो टीवी में आप करते हैं या जो देखते हैं वो वाद विवाद है, शास्त्रार्थ थोड़ी है। वहां कोई सुनने ही तैयार नहीं है ना, वो तो सुनाने के लिए अधीर बैठा हुआ है। उसने अपने अंतर मन में अगर ऐसा होता तो मंडन मिश्र और आचार्य शंकर के शास्त्रार्थ को देखने के लिए माँ भारती सहित त्रिलोक के देवता नहीं आए होते। क्योंकि शास्त्रार्थ जो है संसार में सबसे शुद्ध सत्य के प्रकाट का स्थान होता है। शास्त्रार्थ वो होता है जहां व्यक्ति अपनी जय पराजय की प्रक्रिया में सहजता से, कहोड़ ऋषि शास्त्रार्थ में पराजित होते हैं बंदी से, तो सहजता से अपने देह को समुद्र में डालने की बात स्वीकृत कर लेते हैं। ये विषयांतर है, लेकिन एक प्रश्न, आपकी बात बड़ा सुंदर आपने हमको समझाया। शास्त्रार्थ जैसा शास्त्र शब्द है, तो इसमें क्या ये भी अपरिहार्य जरूरी होता है कि शास्त्र सम्मत तर्क ही आपको रखना है? शास्त्रार्थ अब नहीं होता का अर्थ ये है कि यदि आप शास्त्र के प्रति सुबोध हो गए हैं तो आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं। आपने तो शास्त्र का पन्ना ही नहीं पढ़ा,
आप तो वो किताबों को पढ़ रहे हैं जो किसी के मत अभिमत पर आधारित या किसी के कथानक पर चल रही है, आप मूल विषय और भावनाओं को नहीं जानते। शास्त्रार्थ का हमेशा मूल उद्देश्य ब्रह्म पर चिंतन होता है, ब्रह्म पर ध्यान रखिए। संसार के विषयों पर तर्क वितर्क और कुतर्क होते हैं, शास्त्रार्थ नहीं होता। शास्त्र आपको आपके जीवन की उपलब्धि प्रदान करता है, इस जीव को उसके उपाधि से मिला देता है। इस जीव की उपाधि क्या है? ब्रह्म। हम अंशी हैं और अंश से मिल जाते हैं, तो जो अंशी अंश को प्राप्त करने की दिशा में जितने भी प्रकार के चिंतन करता है उसे जिज्ञासा कहते हैं। मैं आपके विषय में लौटता हूं, जिज्ञासा कहते हैं। तो जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होती है आपके अंतर्मन में? बाहरी प्रयत्नों से उत्पन्न नहीं होती। उसके लिए कोई शंख नहीं बजाता, उसके लिए कोई हल्ला नहीं करता, उसके लिए आत्म प्रेरणा उत्पन्न होती है। जन्म जन्मांतर की स्मृतियां आपके अंतर चित्त में जागृत होती हैं और आपको लगता है कि मैं संसार में आया हूं तो क्या खाने पीने सोने आया हूं? उसके लिए तो वो मेरे मोहल्ले का कुत्ता भी आया है, वो बंधी हुई गाय भी आई है, वो पशु भी आया हुआ है, वो उड़ता हुआ पक्षी भी इन्हीं कामों के लिए आया हुआ है, तो उनमें और मुझमें भेद क्या है? मैं क्यों आया हूं? तुल्याम लवे ना पिचा, ना स्वर्ग ना पुनर्भवम, भगवत संगी संघर्षा, मृत्युर्नाम किमताशिषि। इसके लिए कहा गया कि एक एक तुला के बराबर, एक क्षण के बराबर भी समय तेरे अंतर मन में जिज्ञासा जागृत हो जाती है। कई बार सत्संग स्वयं का स्वयं से हो सकता है, गुरु नहीं है जिसके पास में, तो फिर वो कहां से सत्संग प्राप्त करेगा? वो अपने अंतर मन की अनुभूति करके सत्संग करता है। कई बार अध्ययन करने से भी सत्संग हो जाता है। अध्ययो अध्यायो सुसंद्रो अध्यायो स्वाध्यायो, तुम उसे पढ़ते हो, रोज आप एक ही चीज को पढ़ रहे हो लेकिन किसी समय आप रुक जाते हो। अष्ट सिद्धि अचानक आप, ये अष्ट सिद्धि क्या है? अब आप अष्ट सिद्धि को जानने के लिए कहीं पूछने लग जाते हो, आप सत्संग कर रहे हो। आप रोज पढ़ रहे थे हनुमान चालीसा, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, तो आपने कहा ये नौ निधियां कौन सी है, ये अष्ट सिद्धि कौन सी है? ये जिज्ञासा आप में जागृत हुई। अब आप जानते हैं कि अष्ट सिद्धियां ये है और आप किसी से प्रश्न पूछने चले जाते हैं, तो ये जिज्ञासा नहीं है, ये अबोध नहीं है, ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया। जब आप बोधपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर संदेह में होते हैं और आप कोई उस संदेह के आधार पर आप उस संदेह का समाधान चाहते हैं तो उसे प्रश्न कहते हैं। प्रश्नकर्ता संदेही होता है, निर्णय नहीं ले पा रहा होता है, लेकिन जिज्ञासु अबोध होता है और अबोध के लिए ही सत्संग होता है। ठीक बात, ध्यान रखिए। अंजा पुंसा अविदुषाम वृद्धि, ये सहज के लिए होता है, सरल के लिए होता है। इसलिए सत्संग में जब आप जाएं तो सहजता हो तो जाएं, सरलता हो तो जाएं, बुद्धिमत्ता को छोड़ दें तो जाएं। कहीं ऐसा ना हो वो अपनी कथा शुरू करें और आप कहें हाँ मुझे मालूम है इसके बाद जानकी जी का हरण होगा, फिर रावण का वध होगा। अब आप तो पूर्वग्रह ही पहुंचे हैं, तो फिर आप वहां पहुंचे क्यों हैं? इसलिए पिताजी व्यंग्य में कहते थे, श्रोताओं के प्रकार बताते हुए कहते थे कि एक श्रोता होता है जिसके श्रवण रंध खुले होते हैं, जिसके अंतर चित्त में जिज्ञासा होती है, जो प्रभु की परमात्मा की कृपा मानकर आह मुझे आज अवसर मिला, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला, आज मुझे सत्संग का अवसर मिल रहा है, सत समाज सुरलोक सम, आज मैं स्वर्ग के देवताओं से भी बड़े संतों को सुन रहा हूँ, श्रवण का सौभाग्य मिला है। दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षणभंगुरा, इस क्षणभंगुर जीवन में मेरा जीवन कृतकृत तो हो गया। तो वो श्रोता होता है, श्रवण करता है, उसके श्रवण रंध उसके मन के नियंत्रण में होते हैं, उसके मन विषयों से मुक्त होते हैं, तब वो श्रवण करने का काम करता है। ये होता है श्रोता, ध्यान रखिएगा, ये श्रोता है। दूसरे होते हैं सरोता, पिताजी कहते थे सरोता का अर्थ होता है वो उधर ध्यान नहीं रहेगा क्या बोल रहे हैं, भले चाहे वो लाउड स्पीकर से बोल रहे हो लेकिन वो आस पास बतियाते ही रहते हैं, अच्छा और कैसे हैं, फिर महाराज जी से कैसे मिल पाएंगे, उनको घर बुलाना है तो कैसे कर पाएंगे, मेरी एक फोटो सेल्फी खिंच जाएगी क्या, मैं अपने पोते को लेकर आया हूँ जरा पास चले जाऊंगा क्या, आए वो सामने जो नृत्य कर रहे हैं वो कौन है, ये सरोता है। सरोता की तरह चलते रहते हैं। बहुत सुंदर। और एक जो है समाधिस्थ हो जाते हैं, सोता 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 सरोता और एक सोता हो जाते हैं, वो ध्यान मग्न हो गए, आपको लगेगा आहा ब्रह्म इनके हृदय में प्रवेश कर गया है, समाधि, वो नींद ले रहे हैं, उनकी तंद्रा लग गई है, तंद्रा। ऐसी अवस्था को निद्रा नहीं कहते, तंद्रा कहते। तंद्रा उनकी तंद्रा बन गई है, वो अपने आराम से उनको कुछ, क्योंकि वो अनुसरण करने गए हैं ना, इसलिए गए कि लोग उनको पूछ रहे हैं,
बड़े प्रायोजित ढंग से ऐसे कार्यक्रम होते हैं, पूछते हैं अरे आप अभी तक नहीं गए उनको सुनने, अरे आपने सुना नहीं, तो आपका वो स्टेटस सिंबल हो जाता है कि मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे दिखना पड़ेगा। अब आप सत्संग नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा सत्संग के लिए सूत्र बहुत सुनिश्चित है, 2 से 7 करोड़ तब आप सत्संग करते हैं, जब आपका रोम रोम संत हो जाता है तब आप सत्संग करते हैं। देखिए संत सभा को कितनी सुंदर मेरे बाबा ने कहा है, वो कहते हैं राम कथा सुरधेनु सम, सुरधेनु समझते हैं ना, समुद्र मंथन में निकली कामधेनु, कल्प वृक्षी और कामधेनु को कभी मत भूलिए, यही वो कामधेनु है जिससे पराजित होकर विश्वामित्र जो है राज ऋषि छोड़ करके और ब्रह्म ऋषि बनने के लिए लग गए थे। वशिष्ठ ने उनके हजारों 10,000 10,000 सेनाओं को यूं चुटकी में कामधेनु ने उनको विध्वंस कर दिया था। कामधेनु को देखने मात्र से वो बलात् जा रहे थे। कामधेनु वो है जो दुग्ध नहीं अमृत देती है आपके जीवन में। कामधेनु जो है सागर मंथन के बाद ऋषियों की संपत्ति बनी थी, सप्तऋषि उसे स्वर्ग में रखते हैं कामधेनु को। कामधेनु जो है फलश्रुति से परिपूर्ण होती है, यही वो कामधेनु है जो गिरिराज के समय में गोपाल का अभिषेक करने आई थी, दुग्धा अभिषेक करने के लिए। राम कथा सुरधेनु सम वो कामधेनु है। और सेवत सब सुखदानी, जहां कथा चल रही हो परमेश्वर की, वहां पर यदि आपने सेवकाई की वृत्ति ले ली तो आपके जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। तो आपने कहा अच्छा सब कुछ धन दौलत परिवार परिवेश नहीं, ये सब कुछ में शामिल नहीं, ये तो है ही आपके पास, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ वो है जो आपको मिलता है, और ये सब कुछ वो है जो आपको नहीं मिलता भ्रम बनाता है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको मिलता तो आपके साथ जाता, ठीक बात, आपको मिलता तो फिर राख के ढेर में आपके साथ सजा कर भेज दिया जाता। एक शव यात्रा निकली तो उसके साथ जो है नाना प्रकार के वस्त्रों से सुसज्जित करके अलग अलग कंठहार ये वो छत्र सब सजा कर ले गए धनी को। तो जो पहली बार वहां पहुंचा था शमशान में, वो कहा ये देखो गुरुजी कह रहे थे कि कुछ नहीं जाता हो तो सब पहन के जा रहे हैं यहाँ पर। तो दूसरे ने कहा भी रुक जा भाई, तो नया नया आया है, जितने पहने थे सब उतार लिए गए, वो जैसे आए थे वैसे ही गए। और बोले अब ये क्या होगा जो इनको चढ़ा के लाए थे, बोले ये उनके लोग ले जाएंगे उनका, बोले उनका नहीं था, बोले नहीं था। सब सुखदान, सब सुख का अर्थ होता है आनंद प्रदान करता है तुम्हारे जीवन में। तो सत्संग जब भी होता है आनंद का प्रकाट होता है शरद जी, सत्संग से सुख नहीं मिलता। सत्संग बहुत सारे लोग तो बड़े 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 नामी ग्रामी कथावाचक महाराज जी को बुलाएंगे स्टेटस सिंबल, और यूं विज्ञापन और फोटो छपाएंगे कि फलाने जी आ रहे हैं, मतलब वो आ रहे हैं तो आप समझिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, आपकी फोटो उनके साथ बकायदा चलते रहेगी, छपी हुई रहेगी आपकी फोटो, सब तरफ वितरित किया जाएगा। बड़े स्टाइल बड़े शैली से कहा जाता है फलाने को बुलाया कि नहीं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं कि नहीं, वो मंत्री आ रहे हैं कि नहीं, वो सेठ जी आ रहे हैं कि नहीं, वो दिखे कि नहीं। अब आप देखिए यहां तो सब दूषित हो गया, विषया शक्ति फैल गई यहां पर। देखो नित्य अगर आप करने लग जाए कथा श्रवण करके तो आप समझ लीजिए परमात्मा जागृत हो गए, लेकिन तब नित्र आपका पैर ना कर रहा हो, आपको विदित ना हो कि आपकी इंद्रिय कार्य कर रही है, तब आप नित्य कर रहे होते हैं। जब आप जानते हुए नाचते हैं कि चलो मैं भी नाचता हूं, तब आप नित्य नहीं कर रहे होते। मीरा नित्य करती थी, उनसे बढ़िया नित्य करने वाला तो अभी इस समय कलिकाल में कोई दिखाई नहीं पड़ता। तुकाराम जी तो नित्य करते ही रहते थे, उनकी तो विधानारत शैली की थी, उनने तो एक तारा बजाया और गाए और नाचने लग जाते थे। लेकिन तुकाराम से पूछो तो जाके क्या आप नित्य कर रहे हैं, बोलते थे भाई मला माहित नहीं है थे, वो थोड़ी नित्य कर रहे हैं, मीरा थोड़ी नित्य कर रही है, नित्य तो अनंत आनंद में आकर उसका मन एकाग्र होकर के समा गया है, वो सत्संग कर रही है, ये सत्संग की सेवत सब सुखदान। तो आपने कहा फिर राम कथा सुनने से स्वर्ग जाना पड़ेगा, क्योंकि कामधेनु तो वहीं रहती है ना। तो बाबा कहते हैं सत समाज सुर लोक सम, जहां संतों का समाज बैठा हो वो स्वर्गलोक भी उसके सामने फीका है। ध्यान रखिएगा इस सत्संग की शुचिता ही है कि सुखदेव जी जब कथा सुनाने बैठे हैं राजा परीक्षित को, तो स्वयं इंद्र देवता चले आ रहे हैं वहां से कहने कि महाराज हम भी कथा सुन लें क्या। तो सुखदेव जी कह रहे हैं नहीं नरेश आप कथा ना सुनो, आप तो इंद्र हो, आप अपना स्वर्ग का भोग करो।
कथा तो स्वर्ग से कहीं कुछ अधिक है, कथा मुक्ति प्रदान करती है जीवंत रहते हुए। जीवन मिट जात मन विषय रस रमायस, आपकी जिंदगी मन को विषयों में रमाएंगे तो जिंदगी खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक बात। जीवन मिट जात मन विषय रस रमायस। और आप ध्यान रखिए, कुसंगति मिट जात, कु आपके साथ हमेशा लगा है, का कामनाओं का है, कामनाएं जब उत्सर्ग हो जाती हैं तो कुसंग आपके जीवन में आ जाता है। उसके लिए सत्संग करना है आपको, तो सत्संग का अर्थ केवल इतना होता है कि आप जिज्ञासु हो जाएं, आप अबोध हो जाएं, आपके अंतर्मन में ये भाव उत्पन्न हो कि मुझे जानना है वो ब्रह्म कौन है, लेकिन पूर्वग्रही भावना उत्पन्न ना हो कि लाल वाले महाराज जी ने जो बताया था, आप देखते हैं पीला वाला महाराज जी क्या बता रहे हैं। ये जो है आपका वाणी विलास है। बिल्कुल ठीक। वाणी विलास सत्संग नहीं, इसमें नहीं उलझना। सत्संग शरद जी मौन भी होता है, ये ध्यान रख लेना। सत्संग के कई स्वरूप हमने सुने, कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी गुजरात के गवर्नर भी रहे, और इनकी कृष्ण जी पर लिखी हुई पुस्तकें, महाभारत पर लिखी पुस्तकें बहुत चर्चा में हैं। जैसे इन दिनों एक बैंकर से राइटर बने अमीश त्रिपाठी जी की शिवा ट्रायोलॉजी से, शिवा त्रयी से वो चर्चा में आए। इन लेखकों ने, चाहे वो के एम मुंशी हो, कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी या अमीश त्रिपाठी, इन्होंने शिव को, राम को एक ऐसे चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें चमत्कार नहीं है। अगर वो कृष्ण के सुदर्शन चक्र की बात करते हैं तो उसकी थ्योरी देते हैं कि ये कृष्ण ने बड़े जतन से आविष्कार किया था एक ऐसे घूमकर वार करने वाले चक्र का, जो अपने प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करके वापस लौटकर उनके पास आ जाता है। ये भी एक किस्म का सत्संग है कि आप चिंतन कर रहे हैं कि भाई अगर वो मानव के रूप में संसार में आए हैं तो ये चमत्कार की गाथाएं तो लेखकों की कल्पनाएं हैं, तो फिर हम उनकी चतुराई, उनके विमर्श और उनके ईश्वर से कनेक्ट को लेकर हम क्या सोचें। तो इन लेखकों ने जो सोचा वो भी सत्संग है। फिर कई बार आप और हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या प्रभु ऐसा करते होंगे, कई लोग अपनी डायरी में लिख लेते हैं, ये भी सत्संग है। और निश्चित तौर पर जिज्ञासा, जब तक आपकी जिज्ञासा के रूप में है ये, तब तक ये सत्संग नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा सुबोध निर्मल नहीं होती है। सत्संग का मतलब ये है कि आप पहुंच गए हैं वहां और जो कुछ भी घट रहा है आपको अचानक ऐसा लगा कि जैसे कुछ 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 शक्तिपात हो गया, कुछ मिल गया, कुछ बरस गया आपके ऊपर। नहीं तो जो कुछ भी घट रहा है उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको आप कह सकते हो कि ये बहुत ही मौलिक है, ये बहुत नया सुना आज हमने, बड़ा रूपांतरण अलग तरह का घट गया। जी डॉक्टर, देखिए मैं, आप बड़ी अच्छी बात कह रहे थे तो मुझे उसमें एक चिंतन आया। जिज्ञासु ही मुमुक्ष हो जाता है। मुमुक्षु का अर्थ हो जाता है जो मुक्त पथ का पथिक होता है ब्रह्म से मिलने के लिए। अब आप एक बात समझिए, व्यक्ति चतुर सुजान सत्संग करने वाला अपनी बातों को वैज्ञानिक भाषाओं का माध्यम उत्पन्न करके क्यों कहता है? क्योंकि अभी आप पुराण की वैज्ञानिकता से परिचित नहीं है, लेकिन विज्ञान आनंद के बहुत सन्निकट होता है, ध्यान रखिएगा। अभी वैज्ञानिक से पूछिए कि आप ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो वो मना नहीं करेगा, वो कहेगा मुझे विदित नहीं, मुझे विदित नहीं। बाद में यही वैज्ञानिक, आप उस समय वहां उस सीढ़ी पर बैठे हैं, जो कहेगा अच्छा ये मुझे विदित नहीं था, ये मुझे, तो बहुत सन्निकट होते हैं। तो वो नाना प्रकार के तत्वों से आपको, अब ये वैज्ञानिक भाषाओं का उपयोग करते हुए आपको ये चिंतन करते हैं। आप एक बात और समझिए, अभी आपने एक शब्द लगाया कि सुबोध कोई व्यक्ति हो जाए। अब अबोध और सुबोध की प्रक्रिया आप समझिए, जब आप अबोध से सुबोध हो जाते हैं तो सत्संग आपके जीवन में दिखाई पड़ने लगता है, ध्यान रखिएगा, तब दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन सत्संग जो है ज्ञानाभिमान से मुक्त होता है। बिल्कुल ठीक। वहां कोई भी प्रश्न कर सकता है आपसे जीवन से। आचार्य शंकर के एक श्रेष्ठ शिष्य पूछते हैं कि गुरुदेव भगवान कौन है, कौन होते हैं भगवान? तो गुरुदेव ने कहा जो मन की जानते हैं वो भगवान होते हैं।
जो तेरे अंतर मन को जानते हैं वो भगवान होते हैं। तो उसने दूसरा उत्तर दिया कि मेरे अंतर मन को तो मैं ही जानता हूँ गुरुदेव, और कौन जानेगा मेरे अंतर मन को। तो बोले इसलिए तुम ही भगवान हो, आत्मदेवो भव। अब देखिए ये सत्संग कितना छोटा सत्संग है। ये व्यक्ति को उसके प्रबोध में सुबोध बनाने की प्रक्रिया होती है। जब वो सुबोध गम्य हो जाता है तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके सत्संग में श्रवण करके फिर वो सुबोध बना हुआ ज्ञान पथ का पथिक भी होता है। तब वो पलटता है घर में जाकर, तब वो देखता है अच्छा सुंदरकांड में इतनी बातें लिखी है, अच्छा गीता में कृष्ण ये कह गए हैं। ये सत्संग की प्रक्रियाओं से ही उसे विदित होता है, वो जानता है, क्योंकि मंथन वहां होता है। जहां भी जीवन का मंथन हो, जीवन में आपके विषयों का नहीं, जीवन में मूल्यों का मंथन हो, जहां भी सत्य का प्रकाट हो रहा हो, वहां सत्संग होता है। कठिन है साहब, आसान नहीं है, तो इसको लेकर किसी द्वंद्व में मत आइए, क्योंकि श्रेणी उन्नयन ऐसे नहीं होता। इसके लिए पात्रता वहाँ भी लगती है, वहाँ भी विश्वविद्यालय हैं, वहाँ भी गुरु हैं, और सबसे बड़े गुरु तो आप और हम ही हैं, क्योंकि अप दीपो भव जो बुद्ध ने कहा है। तो आपको किसी गुरु की तलाश में भी बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। आप अपना दीपक स्वयं जलाकर अपना रास्ता ढूंढिए, लेकिन ये क्षण भर में घट जाएगा ऐसा नहीं। कोई गुरु आपके सर पर हाथ रख देगा, शक्तिपात करके आपको पात्रता की उस श्रेणी में ले आएगा, जहां आपके मन से क्रोध, घृणा, वीतराग, वैमनस्य तमाम चीजें हट जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपको चढ़ना पड़ेगा सीढ़ी दर सीढ़ी। तो अभी जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं उसको करते रहें, उसमें कोई विचलन, कोई बेचैनी, कोई खिन्नता अपने भीतर ना रखें, और जिनको सुन रहे हैं उनके प्रति भी गहन श्रद्धा भाव से जाएं, उनके कथन को आत्मसात जितना आप कर सकते हैं वो भी करें। लेकिन इसके बीच में जो आज डॉक्टर साहब ने जिन बातों का उल्लेख किया है, उनको भी अपने मन की कसौटी पर, अपने चैतन्य की कसौटी पर कसते रहिए। निश्चित तौर पर इसके बीच में कहीं कोई मार्ग आपको जरूर मिलेगा। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।